दोस्तों आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं मैप एडिटर मोड। ये कैसा मोड है जिसे हम अपने GTA 5 में एक्शन मिशंस, शोरूम हाउसेस एंड और भी बहुत कुछ इंस्टॉल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको मैप एडिटर मोड एंड उसके साथ माइकल का पर्सनल शोरूम इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। तो अगर आपको भी ये दो मोड्स इंस्टॉल करने हैं तो इनके डाउनलोड लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना। बाकी इंस्टॉल करना मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर इन तीनों मोड्स को डाउनलोड करने के बाद हम इनको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। नाउ हमने GTA की मेन डायरेक्टरी ओपन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है स्क्रिप्ट्स नाम से। मेरे पास पहले से है तो मैं नहीं कर रहा। अगर आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो राइट क्लिक करके असेंबली न्यू में जाएंगे एंड फोल्डर पर क्लिक कर इसका नाम स्क्रिप्ट्स लिख लेना है। अभी हम स्क्रिप्ट्स वाले फोल्डर में जाएंगे। उसके बाद मैप एडिटर वाला मोड ओपन करके यहाँ से साइड में इसको रखकर नेटिव यूआई को छोड़कर सभी फाइल्स को सिंपली ड्रैग करके स्क्रिप्ट्स वाले फोल्डर में ड्रॉप कर देंगे। याद रखना नेटिव यूआई को ड्रैग एंड ड्रॉप मत करना। नाउ हम अपना रिलीज नेम वाला मोड ओपन करके यहाँ से इन दो फाइल्स को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। इनमें नेटिव यूआई हमारा आ जाता है। नाउ हमने यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है एंड इसका नेम रख लेना है ऑटो लोड मैप्स। अभी हम इस फोल्डर में एंटर करेंगे। उसके बाद अपना थर्ड मोड माइकल गैरेज वाला ओपन करके यहाँ से हम सेकंड फाइल में जाएंगे। नाउ यहाँ पर अगर आपको अपने शोरूम में कास्ट चाहिए तो आप नीचे वाले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। अगर नहीं चाहिए तो आप ऊपर वाले फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। मुझे अपने शोरूम में कास्ट चाहिए तो मैं नीचे वाले को सिंपली ड्रैग करके ड्रॉप कर दूँगा ऑटो लोड मैप्स में। फाइनली अपना शोरूम एंड मैप एडिटर इंस्टॉल हो चुका है। गेम को ओपन करके विजिट करते हैं। गेम ओपन करने के बाद आप माइकल के घर की वेबसाइट जाओगे तो आपको एक बड़ा सा शोरूम दिखेगा। यही अपना मोड जो हमने इंस्टॉल किया है। अभी मैं आपको इसका फर्स्ट टेस्ट रिव्यू करवा देता हूँ। बाकी आप इस मोड को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के बाद आराम से विजिट कर लेना। बाकी अगर अपने GTA 5 में मैप बिल्डर इंस्टॉल करना चाहते हो तो इस वीडियो में